मेन जो है, अगर हम लोग रोग की बात करें तो रोगों के लिए मुख्य रूप से कौन से भाव मेन होंगे? रोग के लिए छठा छठा भाव, छठा आठ पूरी भाव, छठ, छठा और छह आठवां, नहीं 12वां भी, क्योंकि छठा छठा, आठ बारह, हाँ छठा भाव तो आप लोग जानते हैं रोग का है ही है। आठवां पीछे आठ भाव, बार, और नहीं, और आठवां भाव गंभीर बीमारी का है, लंबी चलने वाली बीमारी का है, लाइलाज बीमारी का है। तो छठा भाव क्या है? रोग का है। आठवां भाव क्या है? गंभीर चलने वाली बीमारी का है या लंबी चलने वाली बीमारी का है, ठीक है ना। और बारहवां भाव किस चीज का है? हॉस्पिटल का है। बारहवां भाव वह है और हॉस्पिटल भी है। तो अगर मान लीजिए छठा, इसके अंदर मेन कौन कौन से भाव हो गए? छह आठ बारह। अगर हम जन्म कुंडली की बात करें D1, तो साथ में इनके, इन हाउस के जो लॉर्ड होंगे, जैसे षष्ठेश, छठा भाव षष्ठेश, और छठे भाव में स्थित ग्रह, अगर मान लीजिए किसी कुंडली में कोई छठे भाव में स्थित कोई ग्रह है, कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो उतना ही जिम्मेदार है रोग को देने के लिए जितना छठा भाव और जितना छठे भाव का लॉर्ड है। समझ नहीं बात नहीं। इसके अलावा बारहवां भाव और आठवां भाव में स्थित ग्रह, आठवें भाव में स्थित ग्रह क्या करते हैं? व्यक्ति को लंबी चलने वाली बीमारी और गंभीर बीमारियों की समस्या दे देते हैं। और बारहवें भाव में बैठा जो ग्रह होता है वो क्या करता है? व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। यानी अगर आप देखें मुख्य रूप से, तो जितना आप सोचते हैं छठा भाव उसका लॉर्ड और छठे भाव में बैठा प्लेनेट, इसी प्रकार आठवां भाव, आठवें भाव का लॉर्ड और आठवें भाव में बैठा प्लेनेट, और बारहवां भाव बारहवें भाव में बैठा प्लेनेट और बारहवें भाव का लॉर्ड, ये हमारे छह पैरामीटर हैं जो मेन क्या करते हैं? मेन रोगों के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? बात नहीं आई। इसके अलावा षष्ठेश यानी छठे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में जहां पर भी है, आपकी कुंडली में जहां पर भी है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव से संबंधित रोगों की वो पुष्टि करेगा। मतलब उस भाव से संबंधित रोग भी आ जाएंगे, और साथ में क्या हो जाएगा कि छठे भाव के लॉर्ड के साथ जो अदर प्लेनेट, जो दूसरे प्लेनेट बैठे हैं, वो भी जिम्मेदार हो जाते हैं रोग को देने के लिए, अपने शुभ अशुभ के साथ, अपने शुभ अशुभ के साथ। क्योंकि जब आप ग्रहों की युतियां देखते हैं, तो अगर मान लीजिए छठे भाव का स्वामी जिस प्लेनेट के साथ बैठा है, तो छठे भाव का जो लॉर्ड होगा वो अपने सारे का सपने सारे गुण अपने उस प्लेनेट को दे देगा जिस प्लेनेट के साथ वो बैठा है, और उस प्लेनेट के गुण को वो खुद ले लेगा, वो प्लेनेट के गुण को वो खुद ले लेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई भी दो प्लेनेट हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कुंडली में मान लिया बृहस्पति और शनि का कंजंक्शन है, युति है, तो बताइए उसके लिए बृहस्पति की दशा खराब जाएगी कि शनि की दशा खराब जाएगी? जी आपने बृहस्पति, गुरु जी बृहस्पति और शुक्र का वो बचाया युति बताई है, और फिर इसमें शनि के भी पूछ रहे हो आप गुरु जी। क्या तो नहीं, बृहस्पति और शनि का मान लीजिए आपकी कुंडली में किसी के योग है, तो अच्छा गुरु, शनि ने क्या किया? बृहस्पति को अपने गुण दे दिए, शनि ने अपने सारे गुण बृहस्पति को दे दिए, बृहस्पति ने अपने सारे गुण शनि को दे दिए, तो तो बृहस्पति शनि की की दशा दशा, खराब हो गई गुरु जी। हाँ शनि की दशा इतनी खराब नहीं जाएगी जितनी बृहस्पति की जाएगी, क्योंकि अब बृहस्पति यहाँ शनि के गुणों को लेकर के अपनी दशा को देखेंगे। अब मान लीजिए आपके शनि छठे आठवें बारहवें के लॉर्ड हैं, तो आपको लग रहा है कि शनि बृहस्पति का कंजंक्शन है, तो शनि की दशा में खराबी आ जाएगी, लेकिन शनि की दशा ज्यादा बृहस्पति की दशा खराब हो जाएगी, भले बृहस्पति आपके अच्छे भाव के स्वामी हो। यही जब दो क्या नाम है अपोजिट नेचर वाले प्लेनेट आपस में जुड़ते हैं, तो नुकसान हमेशा अच्छे ग्रहों को होता है, क्योंकि और क्योंकि जो बुरे ग्रह होते हैं वो अपना सारा उनको ट्रांसफर कर देते हैं, अपना सारा जो भी जिम्मेदारी है, और उनकी जिम्मेदारी को खुद ले लेते हैं। तो नहीं बात है। अब जैसे किसी का बृहस्पति राहु आपस में युति यानी कंजंक्शन करके बैठा है, तो बृहस्पति की दशा ज्यादा खराब जाएगी राहु की दशा से,
आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहु की दशा में आपके साथ होगा, वो एक्चुअल में आपके साथ बृहस्पति की दशा में होगा। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? इस प्रकार से आपको, अब मान लीजिए दो प्लैनेट जो दोनों ही नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, तो आप समझिए कि जो ज्यादा अशुभ होगा उसमें से ना, उसकी दशा ज्यादा खराब हो जाएगी। जो ज्यादा अशुभ होगा, नहीं बल्कि जो कम अशुभ होगा उसकी दशा ज्यादा खराब हो जाएगी। क्यों खराब हो जाएगी? क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? क्योंकि वो तो अपना जो है वो है ही है, और साथ में जो उसने गुण ले लिए दूसरे प्लैनेट, ये चीजें और भी ध्यान रखना। तो इसी प्रकार जब छठे भाव का लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ युति में आ जाता है, तो अपने अपने रोगों की क्षमता यानी रोगों की जिम्मेदारी उस प्लैनेट को दे देता है, तो वो प्लैनेट भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं अच्छी तरह से। जो ले लेंगे तो जिसको जिम्मेदारी निभाएंगे। आपने ये बोला है ना कि छठे भाव का लॉर्ड जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसको हाँ, अपने गुण स्वभाव गुण दोष दे देगा अपने, मतलब कि वो जो दूसरा उसके साथ प्लैनेट बैठा है ना, तो उतना वो प्लैनेट भी रोग कारक हुआ जितना छठे भाव का लॉर्ड हुआ, चाहे गुरु जो किसी भी भाव में बैठा हो। भाव तो खैर अपने आप में इम्पोर्टेंट है ही, भाव किसी भी भाव में बैठा हो, युति की बात हो रही है ना। अब वही अगर बुरे भाव में बैठा है, तब तो दोनों ही प्लैनेट बुरे हैं, तब तो मतलब अभी तो यहाँ भाव को ले मान लीजिए, अभी तो आप यहाँ पे कंजंक्शन को ले रहे हैं। भाव कोई भी हो सकता, अच्छा कंजंक्शन सिर्फ छठे भाव में होना, छठे घर में होना जी कंजंक्शन गुरु जी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमने आप ध्यान नहीं सुना। छठे भाव का लॉर्ड और छठे भाव में बैठा प्लैनेट, ऐसे आठवें भाव में बैठा प्लैनेट और आठवें भाव का लॉर्ड, और बारहवें भाव में बैठा प्लैनेट और बारहवें भाव का लॉर्ड, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। छठा भाव आपको रोग देगा, आठवां भाव उस रोगों को हवा दे देगा, गंभीर बना देगा, और बारहवां भाव क्या कर देगा, बारहवां भाव आपको उसी रोग के कारण हॉस्पिटल पहुंचा देगा जी। ये तीनों का काम है। अब मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाता है कि षष्ठेश अष्टम में चला गया या अष्टमेश छठे में आ गया, तो बीमारी बड़ी गंभीर हो सकती है। नई बात नहीं है, गंभीर क्योंकि आठवें भाव का इन्वॉल्वमेंट उसमें हो रहा है। तो तीनों, अब देखा जाए तो क्या सारे प्लेनेट इस प्रकार से रोग के कारक हो जाते, तो आपको मल्टीपल डिजीज तो होती है बहुत सारे लोगों को, अगर उसको बैलेंस वो नहीं कर पा रहा है तो डिजीज तो होगी। इसी प्रकार यहाँ कह रहे थे कि कोई भी प्लैनेट अगर छठे भाव का लॉर्ड है, और छठे भाव का लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ, जिस छठे भाव का लॉर्ड जिस प्लैनेट के साथ बैठा है, वह प्लैनेट भी जिम्मेदार हो जाता है रोगों को दर्शाने के लिए, यानी उस प्लैनेट से संबंधित भी समस्या वहां पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो ये बताया। और षष्ठेश ग्रह षष्ठेश से युक्त और साथ में षष्ठेश जिस प्लैनेट को देख रहे हैं, वह प्लैनेट भी अपनी दशांतर दशा में रोग दे देगा। वह प्लैनेट षष्ठेश जिसकी जिसको मान लीजिए किसी के साथ बैठे नहीं है, देख रहे हैं, तो देखने वाले को भी दशांतर दशा में वो क्या करेगा, रोग देगा। मान लीजिए षष्ठेश किसी के साथ बैठे हैं और देख भी रहे हैं, तो जिसके साथ बैठे हैं जब उसकी दशा आएगी, और षष्ठेश की दशा तो रोग करेगी, कुछ ना कुछ तो बीमारी आएगी। लेकिन षष्ठेश जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं उसकी दशांतर दशा में भी रोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे षष्ठेश जिस प्लैनेट को देख रहे हैं उस प्लैनेट की दशांतर दशा भी आपको रोग दर्शाएगी। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके अतिरिक्त जो पाप प्रभाव युक्त राशियां भाव हैं, अगर कोई भी भाव पाप युक्त हो गया या कोई राशि पाप युक्त हो गई, तो वह राशि जिस रोगों को दर्शाएगी वह रोग भी व्यक्ति को हो सकता है। ठीक है, और भाव भी जिस रोगों को दर्शाएगा वो उस भाव से संबंधित भी व्यक्ति को रोग हो सकता है, भले उसका संबंध छठे भाव से हो या ना हो। अगर वो कोई भी भाव खराब है आपकी कुंडली में, तो वहां से संबंधित भी रोग आपको देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए वो भाव खराब मतलब पाप ग्रह उसमें बैठे हैं, तो आपको पता है कि पाप ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को वो क्या करेंगे, उस भाव को खराब करेंगे ना। वहां जो जिस राशि में बैठे उस राशि को वो खराब करेंगे, तो राशि का जो अपना एट्रीब्यूट होगा डिजीज को लेकर के, वो उससे संबंधित आपको चीजें दिखाई देंगी, उससे संबंधित चीजें आपको दिखाई देंगी वहां। ठीक है,
तो इसी प्रकार से देखते हैं कि रोग होने के एक नहीं बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन होने का मतलब आप समझ रहे हैं कैसे कैसे यहाँ पे देखा जाएगा कि छठे भाव का लॉर्ड जिसके साथ बैठा है वह बैठे प्लेनेट की दशा अंतर दशा, जिसको देख रहा है उसकी दशा अंतर दशा में भी रोग हो सकता है। कोई कुंडली के अंदर जो भाव खराब है, खराब मतलब कोई भी कहीं प्लेनेट बैठे हुए हैं, खराब अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो अशुभ ग्रह बैठ करके उस भाव को जब खराब करेंगे तो वहां संबंधित भी आपको रोग आएगा और राशि संबंधित भी आपको रोग आ जाएगा। अब यहाँ पर यह देखना है कि ऐसा नहीं कि केवल आपने सृष्टि जिस भाव के साथ बैठे हैं, जिस ग्रह के साथ बैठे हैं और आपने एकदम घोषणा कर दी कि नहीं भैया ये दशा आ रही है इसके साथ सस्टेज बैठे तो आपको रोग होगा। वो रोग तभी होगा जब वो प्लेनेट क्या नाम है षडबल में कमजोर हो, नौमांश कुंडली में नीच के हो या अस्त हो, तो वो प्लेनेट भी रोग को दर्शा देंगे। इसीलिए बोलते हैं नीच के प्लेनेट, निर्बल प्लेनेट, अस्त प्लेनेट अगर कहीं सस्टेज सस्टेज और द्वादश के साथ हैं तो वो रोग के कारण बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वही सस्ते सस्ते द्वादश के साथ कोई प्लेनेट बैठा है लेकिन वह षडबल में अच्छा है, नौमांश कुंडली में अच्छा है, देशकाण कुंडली में अच्छा है, वो बली है, तब उस दशा पंतदशा रोग को नहीं दर्शाओ, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? तो यहां पर आप बहुत सारी चीजों को आप देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे ऊपर ये जो प्लेनेट है वो रोग को लेकर के आते हैं। तो रोग को लाने के लिए और ले जाने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक। अब कोई ग्रहों को रोग कारक बनाने वाले कारण क्या हो सकते हैं, तो मैंने बताया रोग का रोग भाव का प्रतिनिधित्व जिस प्लेनेट के पास हो, तो मैंने बता ही दिया अष्टम भाव बारहवें भाव का प्रतिनिधित्व जो उनके लॉर्ड है वो बता रहे हैं, छठे भाव में स्थित प्लेनेट भी वही काम करेंगे। यहां तक ये भी देखा जाता है कि लगन में स्थित कोई भी प्लेनेट रोग दे देता है, स्पेशली अगर वो अशुभ है तो, स्पेशली अगर वो क्या है अशुभ है तो वहां पर वो क्या कर देगा, वो रोग दे देगा अपनी दशा अंतर दशा में। तो लग्नेश लग्न में भी बैठा प्लेनेट आपको रोग दे सकता है, ठीक है, अगर वो कमजोर हो रहा है तो। नीच राशि शत्रु राशि में स्थित या निर्बल प्लेनेट कमजोर प्लेनेट वो रोग तो देंगे। और पाप ग्रह से प्रभावित, तो इतनी सारी चीजें हमें वहां पर क्या करना होगा, देखना होगा कि कोई भी प्लेनेट इन छठे आठवें बारहवें भाव के साथ बैठकर कितना कमजोर हो रहा है, जितना कमजोर हो रहा है वो हमको उतना ही क्या करेगा रोग देगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपको समझ में आ गई। यहां पर अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कि छठे भाव में कोई भी प्लेनेट बैठेगा उससे संबंधित रोग होना एक आम बात है, उससे संबंधित एक रोग होना आम बात है। मान लीजिए जैसे चंद्रमा आपको पता है, अभी बताते हैं कौन कौन से क्या क्या रोग दे सकते हैं। तो चंद्रमा आपको पता है, तो चंद्रमा क्या करेंगे, चंद्रमा मेनली व्यक्ति को क्या करेंगे, जल से संबंधित मतलब ये सर्दी जुखाम बुखार ये सब जो डिजीज है ये सब यहाँ पे देंगे, कफ से संबंधित प्रॉब्लम देंगे, चेस्ट में कंजेशन वो दे सकते हैं, इस प्रकार की वो प्रॉब्लम वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर सस्टेस का किसी भाव के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो भाव संबंधित रोग भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वही वो प्लेनेट कहीं मंगल और शनि हो गए तो और ज्यादा वो वहां पर दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि मंगल शनि रोगों के कारक हैं, शनि क्या रोगों के कारक हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। भाव परिवर्तन ये कहा कि आपने जो सस्टेस है वो किसी और घर भाव में बैठ जाए, घर में आ जाए और उसका लॉर्ड छठे में आ रहे, समझे, भाव परिवर्तन तो वो तो और दिक्कत कर जाए, क्योंकि उसका सस्टेज के साथ जो हाउस एक्सचेंज का रूल है उसका सस्टेज के साथ काफी गहरा संबंध हो गया है, काफी गहरा संबंध हो गया, ठीक है। अब आठवें भाव में बैठा प्लेनेट मैंने बताया रोग का कारक है और इनका स्वामी भी रोग का कारक है, आठवें भाव में क्या होगा गंभीर बीमारियां आएंगी, आठवें भाव में क्या आएंगी गंभीर बीमारियां, स्पेशली अगर मंगल और शनि आ जाते हैं तो मंगल और शनि तो फिर बहुत ज्यादा स्थिति कर लेंगे, दिक्कत कर लेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए जैसे कि बताया कि छठे भाव में बारहवें भाव में लगन में स्थित, अगर लगन में स्थित या लग्नेश ही क्या करते हैं प्लेनेट को, मतलब वो अभी आपको रोग दे सकते कहीं ना कहीं से संबंधित वो रोग दे सकते, ठीक है। तो इसमें ये तो खैर ये जनरल बातें हो गई, जनरल बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन कौन हमें रोग दे सकते हैं।
कौन कौन हमको क्या दे सकते हैं, रोग दे सकते हैं। अब यहां पर हमें ये देखना है कि कौन कौन से प्लेनेट के कारण हमें कौन कौन सा रोग होगा और फिर इसको देखा कैसे जाएगा, वो तो अभी हम आपको देखना बता देते हैं। प्लेनेट के कारण इसके अलावा देखिए, इसके अलावा कुछ बातें आपको और पता होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ बातें और आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको क्लैरिटी और ज्यादा है। देखिए ये तो मैंने रूल बताया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब ये सब तो देखते ही देखते हैं, इसके अलावा हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं जिससे चीजें बहुत आसानी से पकड़ में आने लगती है। क्या, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि छठे भाव में बैठा प्लेनेट, आठवें भाव में बैठा प्लेनेट, बारहवें भाव में बैठा प्लेनेट, और कोई भी भाव अगर अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो रहा है तो वो भी आपको रोग देगा। अब इसको थोड़ा सा हमें और जांचना होगा, और जांचना होगा। देखिए मेन जो है ना, मेन हम दो तीन प्लेनेट को ज्यादा हम लोग पकड़ते हैं। कौन सा पकड़ते हैं? एक तो होता है ना मतलब कि बाईसवां दृष्टिकोण, बाईसवां दृष्टिकोण आप लोगों को बताया है ना क्या होता है। बाईसवां दृष्टिकोण की दशा यानी जिसकी दशा अंतर दशा चल रही है, अगर वो आपके जन्म कुंडली में बाईसवां दृष्टिकोण बना हुआ है और वो प्लेनेट अगर किसी तरह से छठे आठवें बारहवें से संपर्क में है, छठे आठवें बारहवें से संपर्क में है, और प्लेनेट अगर वो कमजोर भी है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है या बहुत कमजोर है और प्लेनेट बहुत खराब हो चुका है, तो बाईसवें दृष्टिकोण की दशा आपको रोग दिला सकती है। अब बाईसवें दृष्टिकोण कौन सा होता है, सबको पता है कि बताना है? गुरुजी नौमांस का तीसरा भाव, यानी बाईसवां दृष्टिकोण होता है आपके दृष्टिकोण कुंडली यानी D3 कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी है उसको बाईसवां दृष्टिकोण कहते हैं, पहले ही बताया होगा मैंने। जी गुरुजी बताया था जी। तो बाईसवां दृष्टिकोण आपको रोग, ये क्या है, ये रोग से संबंधित समस्या जरूर दे देता है। और मतलब इवन ये भी देखा गया, हमने तो कई बार ये भी देखा है कि बाईसवें दृष्टिकोण का कोई संबंध नहीं है छठे आठवें बारहवें के साथ, लेकिन बाईसवां दृष्टिकोण कुंडली में कमजोर है तो उसकी दशा आपके लिए नुकसान कर जाएगी। बहुत ज्यादा देखा जाता है ये रोग को नुकसान करती है, लेकिन अन्य प्रकार से भी ये रोग कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगी। बाईसवां दृष्टिकोण कौन है? D3 कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी है उसको क्या बोलेंगे? बाईसवां दृष्टिकोण बोलेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है भाई, दिक्कत है जी गुरु जी। जी बाईसवां दृष्टिकोण, तो बाईसवां दृष्टिकोण हो गया। दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं चौसठवां नौमांश भी यही काम करेगा। यानी आप कोई भी दशा अंतर दशा जाए तो आप पहले अलग से लिख ले भैया बाईसवां दृष्टिकोण कौन सा है, चौसठवां नौमांश कौन सा है। चौसठवां नौमांश कैसे देखना हमने बताया है? नौमांश कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। हाँ, D9 चार्ट में जो चौथे भाव का स्वामी है वो आपका वो तो हमेशा ही खराब है। उसके लिए तो मैंने गोचर भी आपको पहले बताया होगा कि चौसठवें नौमांश और जन्म कुंडली के आठवें भाव पर जब कोई प्लेनेट का गोचर होता है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वो नुकसान करवा देता है। या नहीं बताया था आपको? एक बार बताया क्लास में, बताया था गुरु जी। देखिए अष्टम भाव में बैठा प्लेनेट गोचर का प्लेनेट वो आठवें भाव में हो और चौसठवें नवमाश में जब वो गोचर करेगा तो वो समय बड़ा खराब जाता है। इसी का उल्टा कर लीजिए, या वो चौसठवें नवमाश में गोचर कर रहा हो तो जब वो आठवें भाव की राशि में जब गोचर करेगा आके तब भी वो समय बड़ा खराब होता है। इस सबके एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे। तो चौसठवां नवमाश तो अपने आप में ही बड़ा बहुत कुछ ऐसे अवगुणों को लिया है जिसके कारण से बहुत सारी बातें हमने आपको बता रखी है। तो बाईसवां दृष्टिकोण, चौसठवां नवमाश, और एक होता है 85वां द्वादशांश, 85 द्वादशांश। द्वादशांश मतलब D12 चार्ट, जो आपका D12 चार्ट है ना द्वादशांश कुंडली, उसके 22वें भाव का स्वामी, सॉरी उसके 8वें भाव का स्वामी, उसको बोलते हैं 85वां द्वादशांश। ये इतने ज्यादा, ये तीन मैंने जो बताए, कौन सा बताया गुरुजी? D12 का 8th हाउस का ग्रह है ना? हाँ, वो कहलाता है 85वां द्वादशांश। ये तीन प्लेनेट जो 22वां दृष्टिकोण है, 64वां नवमांश है
और 85वां द्वादशांश है D12 का गुरु जी, D12 के आठवें भाव का स्वामी को 85वां द्वादशांश कहते हैं। तो ये जो तीन प्लेनेट आपके हैं आपकी कुंडली में, इसको अलग से ही नोट कर लीजिए, 64वां नवमांश, 22वां दृष्टिकाण और 85वां द्वादशांश। आप देखेंगे जब जब इनकी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा आती है तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी। और अगर इन इन प्लेनेट, ये प्लेनेट, तीन प्लेनेट जिनमें से कोई भी एक प्लेनेट, मान लीजिए कभी 22वें दृष्टिकाण की दशा आ जाए, 64वें और 85वें, तो इवन चाहे MD आए, महादशा आए, चाहे अंतर दशा है, चाहे प्रत्यंतर दशा है, तब भी अपनी हरकत कर लेते हो। स्पेशली अगर उनका संबंध भी आपकी जन्म कुंडली से छठे भाव या छठे भाव के स्वामी से हो जाए तो रोग, ऋण और शत्रु को ये क्रिएट करवाएगी दशा। इसी प्रकार से आठवें भाव से संबंधित, आठवें भाव या आठवें भाव से उसका संबंध बन जाए, यानी अष्टमेश के साथ हो या अष्टमेश खुद ही हो या अष्टम में वो प्लेनेट बैठा हो, और कमजोर होना चाहिए, कमजोर कमजोर होना चाहिए। इवन ये देखा गया है ये प्लेनेट मजबूत भी अगर है, उच्च उच्च के हैं, तब भी ये कुछ ना कुछ हरकत कर देते हैं। और अगर यही तीन प्लेनेट का संबंध 12वें भाव से हो जाए, व्यक्ति को हॉस्पिटल हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं। तो मेन ये तीन प्लेनेट से सावधान रहना चाहिए, कौन सा, 22वां दृष्टिकाण, 64वां नवमांश और 85वां दशांश। बाकी जो अभी मैंने जनरल बातें बताई आपको कि छठा भाव में बैठा प्लेनेट, छठे भाव का लॉर्ड, ये भी रोग देते हैं, लेकिन ये इतने, अब ये तो नहीं कह सकते गंभीर रोग नहीं देते, देते तो हैं ये गंभीर, वो डिपेंड करता है वो प्लेनेट कितने आपके बली और कितने निर्बल हैं। अगर कमजोर होंगे तो रोग देंगे, वो रोग देंगे, ठीक है, तो ना। लेकिन अगर ये तीन प्लेनेट से उनका संबंध हो जाए तो आप समझ लीजिए कि ये प्लेनेट अपनी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में जरूर आपको कुछ ना कुछ समस्या करवा देंगे, ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई कोई दिक्कत। इसके अलावा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये तीन बातें सबको समझ में आ जानी चाहिए, और इसको अलग से ही नोट कर लीजिए अपनी कुंडली में, या जिसकी भी आप कुंडली देखते हैं, जब जब इसकी महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा देखने को मिले और ये प्लेनेट अगर कुंडली में कमजोर है, स्पेशली छठे आठवें बारहवें से संबंध है, ना भी हो, लगने से भी संबंध हो, छठे आठवें बारहवें से लगने से भी संबंध, रोग दे देंगे व्यक्ति या किसी प्रकार की समस्या कर देंगे। कभी कभी तो ऐसा देखते किसी के साथ इसका संबंध नहीं, फिर भी रोग हो रहा है। गुरु जी हमको हो गया, लगने से है, शनि शनि छठे बैठे हैं, डायबिटीज हो गई, कुछ ना कुछ तो होगी। अब डायबिटीज आपकी दशा चल रही है क्या शनि की? हाँ, शनि की महादशा चल रही है। हाँ, तो अब डायबिटीज का भी प्लेनेट हम बताएंगे कौन है। तो शनि आपके लगने, शनि छठे में बैठा, छठे में बैठा प्लेनेट, तो कुछ ना कुछ हरकत। ये देखिए 85वां दशा, 64वां नवमांश तो नहीं है, ये देखिए आपनी कुंडली में शुक्र है क्या, ये आपकी तो शनि आपके 22वें दृष्टिकाण कौन है? देख लेंगे गुरु जी, अभी देखा नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से, ये अगर ये होंगे तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन तो और हो गए, उसके अलावा आप ये देखेंगे कि गंड मूल में आया हुआ ग्रह या गंड मूल में लगन अगर आ जाए, लगनी गंड मूल की हो जाए। अब गंड मूल की लगन और गंड मूल में आया ग्रह, वैसे तो लोग लगन को चंद्रमा को देखते हैं कि भाई चंद्रमा हमारा गंड मूल में तो नहीं है, जिस प्रकार से चंद्रमा को गंड मूल में देखा जाता है उसी प्रकार से हर ग्रह को गंड मूल में देख लीजिए। यह लगन जिसकी लगन ही गंड मूल में है तो व्यक्ति को तो रोग पक्का होगा, क्योंकि लगनी आपका शरीर है और वो गंडमूल में, गंडमूल कैसे पहचानते हैं कौन होता भाई गंडमूल? अश्विनी नक्षत्र, बस सिंपल से नक्षत्र गिनते रहेंगे आप, जो बुध और केतु की जितनी भी नक्षत्र है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो सब आपके गंडमूल में आएगी। यानी जैसे कोई भी प्लेनेट है, वो प्लेनेट की नक्षत्र देखिए किस नक्षत्र में, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है। अब मान लीजिए जैसे इन्होंने शनि बताया, तो शनि देखे किसी नक्षत्र में बैठा है, जिस नक्षत्र में बैठा अगर वो नक्षत्र स्वामी बुध और केतु है तो ये शनि गंडमूल में चले जाते, मतलब एग्जाम्पल बताया मैंने। तो गंडमूल में भी जो प्लेनेट होगा वो प्लेनेट की दशांतर दशा भी आपको रोग करवा देगी,
तो गंडमूल गंडमूल में लोग चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा ठीक है देखना चाहिए, चंद्रमा मन का कार्य है देखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा को गंडमूल में देखा जाता है उसी प्रकार से आप सारे प्लैनेट को गंडमूल में देखिए। और गंडमूल में कैसे, जो वो प्लैनेट है जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का स्वामी अगर क्या हो गया, बुध और केतु हो गया, तो ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह गंडमूल में नक्षत्र आ जाएगा, वो ग्रह आ जाएगा। तो गंडमूल में आया हुआ ग्रह भी रोग करवाएगा आपको। और सब ये यानी तीन हो गया, 22वां दृष्टिकांड, 64वां नवमांश, 85वां दशांश और गंडमूल में आया हुआ ग्रह। और इसके अलावा सर्प दृष्टिकांड में आया हुआ ग्रह, सर्प दृष्टिकांड में, सर्प दृष्टिकांड में आया हुआ ग्रह, ठीक है। दृष्टिकांड का मतलब क्या हुआ है, दृष्टिकांड का मतलब गुरुजी सर्प दृष्टिकांड क्या होता है? हाँ बता रहे हैं, दृष्टिकांड का मतलब क्या होता है, आपकी कुंडली का D3 चार्ट, मतलब आप में जो डिविजनल चार्ट में D3 चार्ट, तो D3 का मतलब हुआ 30 डिग्री को आप तीन भागों में डिवाइड कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं तीन दृष्टिकांड। पहला दृष्टिकांड कितने डिग्री से कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक आपका पहला दृष्टिकांड होगा, समझ नहीं बात। दूसरा दृष्टिकांड होगा 11 से 20 डिग्री का, और तीसरा दृष्टिकांड हो जाएगा 21 से 30 डिग्री का, 21 से 30 डिग्री का। अब सर पहले डिग्री समझ में आ गई, दृष्टिकांड की डिग्री सबको समझ में आ गई। अगर हम बोले कि दृष्टिकांड है तो मतलब समझ लीजिएगा कि वो 0 से 10 डिग्री का प्लेनेट होगा। अगर वो दूसरा दृष्टिकांड है तो 11 से 20 डिग्री का वो प्लेनेट होगा, और अगर हम बोलेंगे कि तीसरा दृष्टिकांड है तो 21 से 30 डिग्री का वो क्या होगा, प्लेनेट होगा, ठीक है भाई। अब सर्प दृष्टिकांड में कौन सा प्लेनेट आएगा वो सुन लीजिए। पहले दृष्टिकांड को मैंने बता दिया कितने कितने डिग्री पे कौन सा दृष्टिकांड होता है। पहला दृष्टिकांड अगर हम बोले तो 0 से 10 डिग्री, दूसरा दृष्टिकांड बोले तो 11 से 20 डिग्री, और तीसरा दृष्टिकांड बोलेंगे तो 21 से 30 डिग्री, ये तीसरा दृष्टिकांड हुआ, ठीक। अब आपकी कुंडली में जो प्लेनेट कर्क राशि में बैठा है, क्या मैंने बोला, आपकी कुंडली में जो प्लेनेट कहां बैठा है, कर्क राशि में, कर्क राशि में, अगर वह दूसरे और तीसरा दृष्टिकांड में है, कर्क राशि में बैठा प्लेनेट अगर दूसरे या तीसरे दृष्टिकांड में है तो वह सर्प दृष्टिकांड में हो गया। अब दूसरा दृष्टिकांड कहां से स्टार्ट होता है, 11 से 20, और तीसरा क्या होता है, 21 से 30। कोई व्यक्ति बताए कर्क राशि में उसके कोई प्लेनेट बैठा है? केतु है गुरुजी। केतु है, अब देखिए केतु की डिग्री कितनी है, केतु की है गुरुजी 14 डिग्री। तो ये दूसरे दृष्टिकांड में है या नहीं है? दूसरे में है गुरुजी, बिल्कुल। तो ये आपका केतु जो हो गया वो सर्प दृष्टिकांड में आ गया जी गुरुजी, समझ नहीं बस। और कोई बताओ कर्क राशि में किसी के प्लेनेट कोई बैठा हुआ है? केतु ही बैठा हुआ। केतु ही बैठा हुआ गुरुजी 9 डिग्री का। तो 9 डिग्री का नहीं होगा ना, 9 डिग्री कौन से दृष्टिकांड में आ गया जी? वो तो पहले में आ गया ना गुरुजी, तो वो सर्प दृष्टिकांड नहीं बनेगा। कर्क राशि में जो दूसरा और तीसरा दृष्टिकांड होगा तभी वो सर्प दृष्टिकांड में आएगा। और कोई बताए कर्क राशि में और किसी कोई प्लेनेट बैठा है? जी गुरु जी, हमारा शनि बैठा है। शनि कितने डिग्री का है? डिग्री गुरु जी ये है 28-47। तो 28 डिग्री का है ना, ये तो तीसरे दृष्टिकांड में आ रहा है। ये दूसरा दृष्टिकांड कहाँ से कहाँ तक होता है? 11 से 20। 11 से 20 और से कहां से कहां तक होता है? 21 से 30 तो इनका 28 डिग्री का। तो पहले दृष्टिकांड में हो, कोई भी प्लेनेट अगर वृश्चिक राशि में है और वो पहले दृष्टिकांड में बैठा हुआ, पहले दृष्टिकांड मतलब क्या? 0 से 10। तो आप देखिए, आप कोई किसी की कुंडली में वृश्चिक राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? 3 ग्रह बैठे हैं गुरुजी। हैं? 3 ग्रह हैं, 3 ग्रह में
पहले दृष्ट काल में कौन सा प्लेनेट आ रहा है कोई की तीनों नहीं आ रहे हैं। डिग्री देखिए उनकी, किस प्लेनेट की डिग्री 0 से 10 डिग्री के बीच में है, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा ना, नहीं और तो बस नहीं है। चल राशि में बैठने से काम नहीं चलेगा, वो दृष्टकाण में भी होना चाहिए, कर्क राशि दृष्टकाण में होगा तभी वो सर्प दृष्टकाण का माना जाएगा, और वृश्चिक राशि में वो पहले दृष्टकाण का होगा, मतलब पहले दृष्टकाण का होगा तभी वो क्या माना जाएगा, तभी वो सर्प दृष्टकाण, सर्प दृष्टकाण का होगा, यानी 0 से 10 डिग्री। और किसी कुंडली में वृश्चिक राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है? मेरे है गुरुदेव, केतु है। केतु है तो केतु कितने डिग्री के है? 7। तो 7 है तो पहले दृष्टकाण में हो गए ना वो, तो जी गुरुदेव दशा अंतर दशा में आपको रोग होने की प्रबल संभावना है, ठीक है। या केतु जिन 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 रोगों का कारक है वह रोग भी आपको हो सकता है। अच्छा गुरु जी, जो ये सर्प दृष्टकाण है ये सिर्फ वृश्चिक में तो 0 से 10 डिग्री तक है, और डिग्री का होगा तभी माना जाए, और कर्क में गुरुजी 11 से सीधा मान लीजिए दूसरा और तीसरा दृष्टकाण, यानी 11 से 30 डिग्री का होगा और जो आपका हो जाएगा सर्प दृष्टकाण। सर्प दृष्टकाण में बैठा जो प्लेनेट होता है वह प्लेनेट उसका अगर संबंध 6ठे 8वें 12वें से हो जाए, सर्प दृष्टकाण में बैठा प्लेनेट का संबंध अगर 6ठे 8वें 12वें से हो जाता है तो वह प्लेनेट जो सर्प दृष्टकाण में गया प्लेनेट है वह जिन रोगों को प्रदर्शित करेगा, अभी बताते किन कौन कौन से रोग कौन कौन से ग्रह के कारण होते, वह रोग उस व्यक्ति को जरूर होंगे। कब होंगे? पहले कब होंगे? जब वही 22वें दृष्टकाण 64वें द्वादश नौमांश और 85वें द्वादशांश की दशा आ जाए, या 6ठे 8वें 12वें भाव की दशा आ जाए, या 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठे प्लेनेट की दशा, तब वो रोग जरूर हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? जो प्लेनेट सर्प दृष्टकाण में गया है उस ग्रह से संबंधित रोग आपको दे सकते हैं, अगर उसका संबंध 6ठे 8वें 12वें से हो, ना भी हो तब भी दे देंगे, लगन से हो जाए तब तो पक्का दे देंगे, लगन से हो जाए तब तो पक्का दे देंगे। इसी प्रकार से कर्क राशि में दूसरे और तीसरे दृष्टकाण को हम लोग बोलते हैं सर्प दृष्टकाण, वृश्चिक राशि में पहले दृष्टकाण को बोलते हैं सर्प दृष्टकाण, और मीन राशि में भी अगर कोई प्लेनेट किसी कुंडली में बैठा है तो उसको तीसरा दृष्टकाण जो है वह सर्प दृष्टकाण होगा। अगर मीन राशि में कोई प्लेनेट बैठा है और वो तीसरे दृष्टकाण में है, तीसरे मतलब 21 से 30 डिग्री के बीच, तो भी वो प्लेनेट रोगों का कारक प्लेनेट बन जाएगा। तो यानी सर्प दृष्टकाण में जो प्लेनेट गया है वह क्या करेगा? वह अपने से संबंधित आपको रोग दे सकता है। गुरुजी मीन में सिर्फ तीसरे होगा ना गुरुजी? हाँ, मीन राशि में सिर्फ तीसरा दृष्टकाण, यानी 21 डिग्री से 30 डिग्री। कर्क राशि में दूसरा तीसरा दृष्टकाण, वृश्चिक राशि में केवल पहला दृष्टकाण, और मीन राशि में तीसरा दृष्टकाण। मतलब मीन राशि में जो प्लेनेट बैठे हैं, ऐसे वृश्चिक राशि में जो प्लेनेट बैठे हैं, कर्क राशि में आपके प्लेनेट जो बैठे हैं उनकी बात बता रहे हैं, वो चाहे जिस भाव में बैठे हो, राशि अगर ये है तो वो सर्प दृष्टकाण में आएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके अलावा क्या करना है आपको, पहले जो आपकी कुंडली में सर्प दृष्टकाण में जो प्लेनेट बैठा है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, उसके बाद उस प्लेनेट की आप उस प्लेनेट का बल देखिए, उस प्लेनेट का बल कितना है। अगर वो कमजोर हुआ तो रोग तो आएगा ही आएगा, मजबूत है तब भी आएगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर वो कमजोर है, 6ठे 8वें 12वें से संबंध है उसका, चाहे 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए जन्म कुंडली के, 6ठे 8वें 12वें के स्वामी यानी जो लॉर्ड है उनसे उनका संबंध बन जाए, चाहे दृष्टि संबंध बन जाए, चाहे एक्सचेंज हो जाए, हाउस एक्सचेंज हो जाए, 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के साथ उसका संबंध बन जाए,
तब भी वो रोग आएगा, आठवें के साथ गंभीर रोग दे देगा, बारहवें साथ हॉस्पिटलाइज करवा देगा। और इसके अलावा इसी प्लेनेट को आपको किस किस डिविजनल चार्ट में और चेक करना है, D1 में पहले आपने चेक कर लिया कि क्या स्थिति है, नीच उच का तो नहीं है, अस्त उस प्लेनेट बहुत खतरनाक हो जाएंगे, अस्त हो जाए नीच हो जाए, वक्री प्लेनेट भी अपने आप में गुरुजी कारक हो जाते। गुरुजी 8 का या 6 का स्वामी भी सर्प दृष्टिकोण में हो, खुद वो ग्रह ग्रह तो भी रोग ज्यादा देगा, चाहे जहां का लॉर्ड हो सर्प दृष्टिकोण में गया 6, 8, 12 का। अच्छा, 6, 8, 12 का कोई भी प्लेनेट हो या चाहे ना हो, अगर वो सर्प दृष्टिकोण में है तो रोग देगा, उसकी और स्थिति देख लीजिए कैसी है। अगर वो कमजोर हो रहे हैं 6, 8, 12 खुद भी चले गए तब तो रोग आना ही आना है। हाँ, वही वही। और 8 का स्वामी गया में। एक मिनट रुक जाइए। और उसके अलावा डिविजनल चार्ट भी आप देख लीजिए। जी जी, डिविजनल चार्ट कौन कौन से देखने हैं। अच्छा, देखना ही देखना है। उसके अलावा D3 देख लीजिए सब लोग, D3 दृष्टिकोण कुंडली, D9 नवमांश कुंडली, D12 द्वादशांश कुंडली और D30 त्रिशांश कुंडली। इनमें किन प्लेनेट को देखना है, जो प्लेनेट सर्प दृष्टिकोण में गए हैं उस प्लेनेट को आप पकड़िए और इन चारों कुंडलियों में D1, D3, D9, D12, D30 में आप चेक करिए वो प्लेनेट कहीं नीच का, कहीं 6, 8, 12 में, मतलब D3 चार्ट में भी 6, 8, 12 में या नीच का हो जाए तो D3 में भी खराब हो गया, D12 में भी ऐसे चेक करिए, D30 में भी चेक करिए, तो आप देखेंगे आपको वहां पे वो प्लेनेट जितनी जगह कमजोर होगा उतना ज्यादा वो समस्या देगा। अगर मान लीजिए कहीं कमजोर नहीं है तब भी समस्या तो देगा, लेकिन कम देगा। तो कौन कौन से हमें चार्ट यहां देखने होंगे, D1, D3, D12 और D30 का। D1, D3, D12 और D30 चार्ट, ये चार चार्ट हम लोग को यहां पे देखने होंगे। समझ में आ गया कैसे देखा जाएगा रोग कैसे देखे जाएंगे, कौन कौन से रोग होंगे वो बात करेंगे। सबसे पहले आप रोग को देखने के लिए क्या करेंगे, आप पहले 22वां दृष्टिकोण, 64वां नवमांश, 50वां द्वादशांश, जन्म कुंडली के 6 भाव में, 8 भाव में, 12 भाव में बैठे प्लेनेट, ठीक है, और सस्तेश अस्तेश अष्टमेश और द्वादेश, इनको जरा एक किनारे कर दीजिए, क्योंकि ये वो दशा है, मतलब ये वो प्लेनेट है जिनकी दशा में रोग आएगा, 22वां दृष्टिकोण, 50वां द्वादशांश, 64वां नवमांश, जन्म कुंडली के 6, 8, 12 भाव के स्वामी, 6, 8, 12 भाव में बैठे प्लेनेट के स्वामी, 6, 8, 12 भाव जिस प्लेनेट के साथ बैठे हैं उन वो। अब क्या तो सर सारे प्लेनेट हो गए, हाँ, अब जैसे इन प्लेनेट को नोट करके आप सारे डिविजनल चार्ट्स में देखिए, D1, D3, D9, D12, D30 में जितनी जगह ये कमजोर हो रहे हैं तो वो दशा मान लीजिए आपके लिए ज्यादा खतरनाक होगी। मान लीजिए किसी कुंडली का 64वां नवमांश है और वो D1 में भी कमजोर है, कमजोर मतलब वही नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्रीय हो गया, कुंडली के 6, 8, 12 में चला गया, D3 में भी वही कमजोर हो गया, D12 में भी वही कमजोर हो गया, D30 में भी कमजोर हो गया, एक तो पहले वो 64वां नवमांश है, इतनी जगह वो कमजोर हो गया, ये एकदम कंफर्म कर दीजिए रोग होगा इस व्यक्ति को, वही कर देगा। अब पता चला आपकी कुंडली में 6 भाव का स्वामी है लेकिन वह D1, D3, D9, D12, D30 चार्ट में कमजोर नहीं है, अच्छा है, उच्च का बैठा है, मित्र क्षेत्र बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव से दूर है, तब रोग नहीं आएगा उसकी दशा में, या आएगा तो हो सकता पता भी ना चले, यानी कौन कौन प्लेनेट रोग दे सकते हैं, 64वां नवमांश, 85वां द्वादशांश, 22वां दृष्टिकोण, 6 भाव और 6 भाव में बैठा प्लेनेट और 6 भाव का स्वामी, 8वां भाव, 8वें भाव में बैठा प्लेनेट, 8वें भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी, 12वें भाव में बैठा प्लेनेट, ये आपको रोग देंगे। लेकिन कब देंगे, जब ये D1, D3, D9, D12 और D30 में क्या हो जाएंगे, ये कमजोर,
ऐसे नहीं देंगे जी, ऐसे नहीं देंगे, ध्यान रखेंगे। जब यहां पर इतनी जगह वो क्या हो जाए, कमजोर हो जाएंगे, तब वो रोक देंगे, तब वो रोक देंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं? लेकिन 22वां 64वां और 85वां जो हमने बताया आपको, इनमें तो वैसे सावधान रहना, आपको इनमें तो वैसे भी सावधान रहना। ठीक है भाई, ये चीज हो गई। उसके अलावा अब रोग कहाँ का आएगा? रोग आएगा, रोग आएगा जो आपकी कुंडली में भाव कमजोर है। कैसे पता चलता है कोई भाव कमजोर है? तो उसको मैंने बताया, जिस भाव में पहले तो आप देखेंगे वो सर्प दृष्ट काण में गया प्लेनेट। सर्प दृष्ट काण में जो प्लेनेट गया उसका आप इन चारों कुंडलियों में देख लीजिए वो कितना कमजोर है, क्योंकि वो रोक देगा। लग्नेश को भी देख लीजिए, वो भी रोक देगा। और अब आप देखेंगे आपकी कुंडली में जो कमजोर भाव है, कैसे पता चलेगा? पहले उस भाव का भावेश कहीं नीच का शत्रु क्षेत्री या छठे आठवें बारहवें में या अस्त ना हो। अगर है तो वो भाव को कमजोर करेगा। और उस भाव में अगर अशुभ ग्रह शनि राहु केतु मंगल यहां बैठ गए तो भी वो रोक करेंगे। जन्म कुंडली के आठवें भाव में आठवें भाव का स्वामी जिन हाउस में जाएगा उसको भी वो कमजोरी करेगा। और अगर छठे आठवें बारहवें स्वामी क्रूर गए तो और ज्यादा कमजोर करेगा। तो इससे आपको पता चलेगा इस भाव से संबंधित व्यक्ति को क्या होगा, रोग हो सकता है। लेकिन सबको बड़ी बारीकी से चेक करना होगा कि वन डी वन डी थ्री डी नाइन डी ट्वेल्व थर्टी थर्टी में उनकी स्थिति क्या है। ठीक है भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया जी गुरु जी? कौन रोग देगा कौन रोग नहीं देगा? बिल्कुल गुरु जी। अब आते हैं कि यहां पर कि रोग हमें कौन कौन से कहां कहां से रोग होते हैं। तो देखिए इसमें हमें मेन तीन बातों को समझना होता है। एक होता है प्लैनेट, दूसरा होता है भाव, तीसरी होती राशि। तो वन बाय वन हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले राशि को हम करवाते हैं, राशि को कि कौन सी राशि आपको रोग दे सकती है। राशि, राशि कैसे देखी जाएगी? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीनों को देख करके आपको निकालना है, तीनों को देख करके आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मेष राशि। मेष राशि के कौन कौन से रोग हो जाएंगे? देखिए जो संबंधित रोग मेष राशि जो है वो काल पुरुष की कुंडली की क्या है, पहली राशि। वो पहली राशि है जो कि सर में है, शाब्दिक दृष्टि से काल पुरुष के शरीर में ये स्थिर प्रवास करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत पड़ने वाले नक्षत्रों का संबंध मुखमंडल मस्तिष्क की संरचना और स्नायु से होता है। ठीक है ना, इससे भी इसका संबंध होता है। इसके अलावा ये रोग क्या देगी? मुहासे, गंजापन, नहीं तो चेहरे पे मुहासे आने लगते हैं। मेष राशि अगर डिस्टर्ब होगी, मेष राशि में नीचे ग्रह बैठे हो, मेष राशि का स्वामी भी खराब हो, मेष राशि जन्म कुंडली के छठे आठवें बारहवें में आ जाए और मेष राशि को डिविजनल चार्ट्स में देख लीजिए क्या स्थिति है। तो मुहासे, गंजापन, मिर्गी का रोग, एपिलेप्सी कहते हैं जिसको। ठीक है, गंजापन तो बता ही दिया। जो क्या नाम है, सर के अंदर खून उनका जम जाना, मस्तिष्क का रक्त स्राव जिसको बोलते हैं, जम जाना या वहां पे एक्सेस में ब्लड व्लड आ जाना, कहीं से कोमा में चले जाना, कोमा में मूर्छा, गुरु जी इसको स्ट्रोक बोलते हैं, वो भी यही वो ही है। वही 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 है, कोमा में आ जाना, कंजेशन, कंजेशन होता है ना, चेस्ट कंजेशन हो गया, क्या कंजेशन हो गया, तो इस प्रकार से कंजक्टिवाइटिस, आंखों का रोग होता है कंजक्टिवाइटिस, मस्तिष्क का रोग, डिजीज ऑफ ब्रेन जिसको बोलते हैं,
इंसेफ्लाइटिस, ये क्या होता है, सर में सूजन, दिमाग के अंदर सूजन आ जाती है सर में, इंसेफ्लाइटिस। एपिलेप्सी तो बता ही चुके ना आपको मेरी की, अपस्मार, नाक से खून आना, ठीक है। दूसरा फिट आना, लोग बार बार जो है दौरा पड़ता है उनको, फिट आते हैं। चक्कर आना, मसूड़ों में छाला अथवा फोड़ा हो जाना, मसूड़ों में लगातार सिरदर्द बना रहना, हेडक। सर में पानी का आ जाना, बोलते ना मस्तिष्क में पानी आ गया, हाइड्रोसिफेलस इसको बोलते हैं। इंसोमनिया, अनिद्रा की प्रॉब्लम, नींद कम आना। मीजल्स, खसरा रोग बोलते हैं इसको, मीजल्स। मेंटल डिसऑर्डर, कुछ लोग बोलते हैं दिमागी बुखार भी, मेंटल डिसऑर्डर। माइग्रेन की प्रॉब्लम हो गया। नाक की हड्डी का कोई रोग होता है तो सांस उस लेने में दिक्कत होती है उनको, नाक की हड्डी का रोग। सीना भारी हो जाना, थोड़ा सा चेस्ट में कंजेशन होना। दाद खाज खुजली होता है ना, तो दाद का हो जाना, रिंगवर्म जिसको कहते हैं। छोटी माता का निकल जाना, स्मॉल पॉक्स। नींद में चलना फिरना, कुछ लोग नींद में उठ के चलने वाले लगते हैं, नींद में चलना फिरना। कहीं पर दर्द होना, स्पैजम होना, ऐठन जिसको बोलते हैं, मरोड़ होना, ऐठन होना। दांतों में दर्द, ठीक है, ये सब आपकी मेष राशि के रोग हैं। क्या ये मेष राशि के रोग हैं? दूसरा ये वृषभ राशि के रोग, वृषभ राशि के कौन कौन से रोग हैं। इसके अलावा एक चीज यहां पर और हम आपको बता दें, देखिए मेष राशि की कुछ अपनी पहचान और अपने गुण हैं। वो गुण क्या है, ये मतलब मेष राशि में कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है तो उस प्लेनेट से संबंधित कोई व्यक्ति अगर है, ये बताते हैं, तो वो बहुत चंचल होगा, क्रोधी होगा और उग्र स्वभाव का होगा और अत्यंत साहसी होगा, स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा और किसी समुदाय अथवा विशेष प्रकार के दलों का प्रतिनिधित्व करता है और नवीन नए प्रकार की योजनाओं की सृष्टि करने में समर्थ होता है, नई नई योजना बनाता है, तो नई नई योजना बनाता है और उस पर काम भी करता है। लेकिन उसका स्वभाव क्या है, बहुत जिद्दपनी वाला है, प्रभाव बोलने में बड़ा माहिर है वो, ठीक है, साधारण बातचीत में भी बड़ा कुशल होता है और ऐसा व्यक्ति किशोरावस्था में अनेक प्रकार के कार्य, व्यापार में या उत्पादों में संबंधित कार्य करता है, खेल उल में भी बड़ा आगे रहता है। गुरु कौन सा व्यक्ति, अभी बता रहा हूं, पहले मेष राशि के लक्षण समझ लीजिए फिर बताते हैं, ठीक है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, युवावस्था में सौम्य स्वभाव और मित्र हित इसका प्राकृतिक स्वभाव माना जाता, मित्र का भला चाहने वाला, स्वच्छंद विचरण करने वाला, इसको यात्राएं बहुत करनी होगी, इसको यात्रा विशेष करनी होती है। अग्नि तत्व की राशि है ये तो सबको पता है और जीवन में अनेक प्रकार के साहसिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई ना, ये सब लोगों को समझ में आ गया। अब ये जो मैंने गुण बताया आपको, इसमें देखिए मेष राशि में कोई भी किसी कोई बताए किसी कुंडली में मेष राशि में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? हाँ गुरुजी, मेरे में बैठा है गुरु, चंद्रमा बैठा है। ये जो मैंने अभी करेक्टरिस्टिक बताई, चंद्रमा आपकी माता है और आपकी बहन भी है, शादी से पहले तो बहन ही लिया जाएगा, तो उनमें ये करेक्टर मिलते हैं नहीं मिलते,
स्वतंत्र विचारधारा, यात्राओं का करना, ठीक है, नॉर्मल बातचीत करना, थोड़ा सा एग्रेसिव होना, गुस्सा आना, थोड़ा हठी स्वभाव का होना, युद्ध पकड़ लेना, कुछ है ऐसा उनमें कोई गुण? गुरु जी ऐसा तो मुझे कुछ लगा नहीं, वो यात्रा यूत्रा भी नहीं करती गुरु जी, इतनी यात्रा भी नहीं करते, फिर वहां और देखना पड़ेगा और चीजें। चंद्रमा बैठे हुए, चंद्रमा के साथ और भी कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं क्या? नहीं गुरु, सिर्फ चंद्रमा है गुरु जी मेष राशि में। चंद्रमा है मेष राशि में, अच्छा देखना पड़ेगा, हो सकता है भाई ये नहीं लग रहा हो, कुछ और लगेगा वहां पे। मेष राशि इसी चीज की होती है जी, गुस्सा, हठी स्वभाव, अगर काम है तो यात्राएं करना, इस प्रकार की चीजें आती है वहां पर। गुरु जी जी, अब मेरा लड़का के मेष राशि में मंगल बैठा है, आपने जितना भी बताया सब लागू होता है? नहीं नहीं, मंगल लड़के के कैसे हो जाएगा, आप बात ही नहीं, मंगल से मतलब नहीं है उसका। नहीं नहीं सर, मेरा लड़के की कुंडली में तो उसके सारे, तो लड़के की कुंडली में मंगल बैठा तो लड़का इस प्रकार का थोड़ी ना होगा। मंगल है उसका छोटा भाई, उसके छोटे भाई इस प्रकार के नेचर का हो सकता है। अच्छा, ग्रहों से संबंधित रिश्तेदार? हाँ अच्छा, वो हो सकता है। जैसे इनका जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा इनका माता है, चंद्रमा इनकी बहन है, तो चंद्रमा मौसी है, तो ये सब में ऐसा कोई करेक्टर आपको मिलता है जो अभी चंद्रमा आपने राशि बताए थे? चंद्रमा मौसी भी हो गई, बहन भी हो गई। गुरु जी मेरी मौसी में तो मिलता है गुरु जी। हाँ तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा जाके। अब आपकी माता में क्यों नहीं मिल रहा, वो और देखना पड़ेगा उसको, लेकिन ये चंद्रमा भाई मौसी हो गई, बहन हो गई, माता हो गई, इनमें आपको ये करेक्टर कहीं ना कहीं मिलेंगे। गुरु जी मेरा राहु है मेष में, लेकिन ये सारी गुण उनको मिलता है गुरु जी। एक मिनट रुकिए, राहु आपके दादा हो गए। ओके, तो दादा हो गए जी, दादा से संबंध या नानी हो गई। हाँ जी बरोबर, राइट राइट सर, 100% बैठता है, उसी में ये करेक्टर होंगे। जी जी, सरपंच थे पंजाब, ठीक है, समुदाय के। हाँ जी, समुदाय के जो है मतलब जिल वाले होते हैं। हाँ हाँ राइट राइट, खेल कूद में भी उनमें अपनी रुचि, बचपन इस प्रकार यात्राएं करना उनको बहुत पसंद होता है। करते थे मान लीजिए कोई, तो इस प्रकार की चीजें आप देखेंगे। और गुरु जी मेष में गुरु हो तो, गुरु जी गुरु हो तो वो व्यक्ति खुद ऐसा होगा। अगर मेष में गुरु है तो गुरु वो व्यक्ति खुद है बीएनएम के अकॉर्डिंग, तो उसके अंदर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? जी गुरु जी। हाँ जी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए वृषभ राशि में आ जाइए। वृषभ राशि में इसमें पहले इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको। देखिए, जो वृषभ राशि में जो भी आपका प्लेनेट बैठेगा, उस प्लेनेट से रिलेटेड कोई भी जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अत्यंत व्यवहार कुशल होगा, सहनशील भी होता है, जिससे जीवन में आने वाली समस्याओं को, प्रत्येक कठिनाइयों को वो दूर करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इस राशि का प्रधान उद्देश्य सांसारिक सुखों की प्राप्ति तथा भोग साधन जुटाने का प्रबल रूप से होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भी सांसारिक चीजों हैं उसको वो क्या करेगा, उसको वहां पे वो जुटाने का काम करेगा। व्यापार, यात्रा, मनोरंजन हेतु धन, सुंदर वस्त्र आभूषण, है ना, ये सब इसको चाहिए होते हैं, और ये उन्नतिशील भी होता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये व्यक्ति भावुकता एवं महत्वाकांक्षा, इस राशि का सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है भावुकता और क्या महत्वाकांक्षा, उसकी पूर्ति के लिए वो बड़ी लगन से और परिश्रम से कार्य करता रहता है। ठीक है, अगर और दूसरी बात है कि देखिए वृषभ राशि का जो चिन्ह है वो बैल है। बैल, बैल का काम क्या है, लगातार बिना रुके काम करते रहना,
लगातार बिना रुके क्या करना है, काम करना है। तो वृषभ राशि का ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर है। अब आप देखिए आपके वृषभ राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा, शनि बैठे गुरु, शनि बैठे, तो आपको अपने कर्म इसी प्रकार से करने पड़ेंगे। आपके आपके बड़े भाई हैं नहीं है? नहीं, बड़े भाई नहीं, नहीं। ठीक है, तो आपको अपने कर्म जो है इसी प्रकार से करने पड़ेंगे। अगर आप अपने कर्म को लगातार नहीं करेंगे तो आपका जो क्या नाम है रोजगार है या संबंधित जो जॉब है वो आपको प्रॉब्लम करेगा। लगातार बैल की तरह लगे रहना पड़ेगा जी गुरु जी। ठीक है ना गुरु जी? गुरु जी चंद्र और शुक्र दोनों है। तो देखिए शुक्र जो होगा, शुक्र तो अब आपकी कुंडली में शुक्र कौन हो सकते हैं, शुक्र कौन हो सकते हैं आप, आपकी तो कुंडली में शुक्र कौन होंगे? ये तो खुद ही शुक्र गुरु जी खुद ही। चंद्रमा तो माता हो गई, तो माता के अंदर ये करेक्टर आएगा। ठीक है, शुक्र को बहन भी माना जा सकता है, शुक्र को बहन भी माना जा सकता है। और शुक्र आपका धन भी है, पैसा भी है। तो नियमित रूप से यहाँ पे एक ये दिक्कत होती, जिनका वृषभ राशि में शुक्र है वो सोचते हैं उनके पास पैसा आएगा तो वो ना पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। जितना पैसा है उसी को वो थोड़ा थोड़ा रोज इन्वेस्ट करें, अपनी गुल्लक बना करके उसमें 100 रुपए 1000 रुपए 500 रुपए डेली बिना रुके डालते रहे, उनके पास पैसा आने लगेगा। जी जी, लेकिन अगर थैंक यू गुरु जी, अगर वैसा सोचे कभी पैसा आएगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो कभी नहीं होने वाला। तो शुक्र है ना राइट राइट। शनि अगर चला गया तो ये काम उनको अपने कर्म में भी करना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि जो है कि हम कोई कर्म, हम बढ़िया जगह जाएंगे तो हम ऐसे कर्म करेंगे, कभी बढ़िया जगह नहीं जाएंगे, जहां भी जाएंगे उनको बैलों की तरह लगे रहना पड़ेगा जी। तो गुरु अगर आ जाए तो व्यक्ति के साथ खुद भी ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? ये इंपॉर्टेंट बात होती है। इसी प्रकार से आप हर प्लेनेट को राशि के अनुसार भी समझ सकते हैं कि हमको आखिर करना क्या है, कैसे काम करना है। और गुरु जी केतु होता है गुरु जी? केतु आपका पुत्र हो गया लाल किताब के अनुसार, और केतु रुकावट भी हो गया। ठीक है, अब बात ये आती है, और मतलब कि केतु नाना भी तो होता है गुरु जी? नाना, केतु नाना भी होता है, एकदम सही बात। और ससुराल को भी रिप्रेजेंट करता है केतु? है ससुराल को राहु, राहु करता है, राहु जी, राहु करता है। ठीक है, उसके बाद आइए, अब इनको शरीर में कौन से इनके रोग हो सकते हैं, रोग कौन से हो सकते हैं? तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे किसी के शरीर में कहीं से मवाद आता है तो वो वृषभ राशि का काम है। मूर्छा आ जाना वृषभ राशि का काम है। गले में सूजन होना, गले में सूजन होना वृषभ राशि। बहरापन, डीफनेस जिसको बोलते हैं, ये भी वृषभ राशि का है। गले में इन्फेक्शन, कान के रोग, ठीक है ना, कान के रोग, ये सब इसी में आता है। ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर, ठीक है, गठिया भी इसी में आती है, गठिया वात रोग। ठीक है, समझ में बात नहीं आई गुरु जी? थायराइड भी होता है ना इसमें? थायराइड तो इसमें नहीं आएगा, इसमें स्त्रियों का जो ये मेंस्ट्रुएशन की जो प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म, और ये इसमें अधिक आता है, कम नहीं आता, इसमें अधिक आता है, ब्लड उनके अधिक आता है। मम्स हो जाते हैं, मम्स, पैरालिसिस, बलगम की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ, गठिया भी इसी में ही आएगा, सही बोल रहे हैं, गठिया भी इसी में। वृषभ राशि में अगर कोई भी खराब प्लेनेट बैठे हैं तो वहां से संबंधित वो रोग दे देंगे। गले का दर्द, गले में जो पीड़ा होती है जिसको सोर थ्रॉट कहते हैं, ठीक है, इसी के अंदर आएगा। गले में जिनको टॉन्सिल्स हो जाती, ट्यूमर,
कहीं का भी ट्यूमर हो जाए तो ये इससे संबंधित इनको ये प्रॉब्लम होती है, वृषभ राशि का ये रोग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आइए मिथुन राशि की बात करें, मिथुन राशि की बात करें गुरुजी, वृषभ राशि में अगर मंगल हुआ तो? मंगल हुआ तो आपके पति हो गए, लड़की कुंडली में पति हो गए। ओके, अब देखिए मिथुन राशि में क्या होगा, मतलब मिथुन राशि में लोग हंसने बोलने वाले लोग होंगे, हंसने उसने का हास्य नृत्य गायन गाना गाना वाद्य कोई शिल्प, मैथमेटिक्स भी इसी का काम है, साइंटिस्ट भी इसी से बनते, साइंस में रिसर्च कोई करे, इसमें मिथुन राशि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मिथुन राशि जो हवा में जुड़ने वाले यानी कि एरोप्लेन, एरोप्लेन से रिलेटेड भी काम इसी के अंदर आता है। ठीक है, समझ में बात नहीं है। इसमें ज्यादातर लोग जो है एक दूसरे की मिमिक्री भी करते रहते हैं, लेकिन अब वो देखना पड़ेगा कौन सा प्लेनेट वहां पर है, कौन सा प्लेनेट वहां पर है। अब किसी का शनि मिथुन राशि में है और वो हमेशा उदास होके बैठा तो उसका काम धंधा नहीं चलेगा। उसे बोलो तुम जितना हंसोगे गाओगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। बृहस्पति बैठ जाए तो बृहस्पति वो व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए तभी वो व्यक्ति ठीक भी रहेगा, वरना उसको अगर वो जरा सा सोच वोच लेगा तो डिप्रेशन में जा सकता है। मंगल तो गुरु जी काम ही है कि हंसना मजाक करना गाना सुनना, मैथमेटिक्स अच्छी होगी उसकी, साइंस रिलेटेड वो इन्वेंशन भी कर सकता है। ठीक है, चंद्रमा व्यक्ति होता है, सज्जनों के मध्य में रहने वाला व्यक्ति होता है, तो ये इसके ये गुण है। अब अचानक किसी का बृहस्पति यहाँ पर बैठा है और वो ऐसे लोगों के साथ रह रहा है जो 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 अच्छे लोग नहीं है, तो वो व्यक्ति को उसकी जो ऑरा वो डिस्टर्ब होने लगेगी। ये उपाय भी यही हो रहा है कि बृहस्पति जो लिया बैठा है ऐसे व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को ऐसे रहना है। क्योंकि ज्योतिष तो ना बताती है कि आप ये करें, ज्योतिष बताती है कि आपको कैसे जीवन जीना है, जो वहां पर उससे रिलेटेड आपको ऐसे बन जाना है तो आपके साथ समस्याएं जो है वो नहीं होंगी। बृहस्पति और चंद्रमा बैठे तो बृहस्पति तो मंगल के लिए गुरु जी, बृहस्पति तो आप खुद हो गए ना, तो आपके साथ ये चीजें होंगी। जी जी बिल्कुल, चंद्रमा जी मंगल मंगल हेतु अब दिमाग लगाई ना कौन कौन किसके हैं, अब हमसे पूछ के क्या होगा, बता दिया चंद्रमा माता हो गए, मंगल आपके भाई हो गए, लड़कियों की कुंडली में मंगल उसके पति हो गए, बुध जो उसकी क्या नाम है जो शादी से पहले जो लोग फ्रेंड सर्किल हो जाती है अपोजिट सेक्स की वो हो गई, लड़के कुंडली में शुक्र उसकी पत्नी हो गई, शुक्र उसका धन हो गया, पैसा हो गया, पैसा कैसे आएगा तो शुक्र देख लीजिए कहाँ बैठा, वो काम करना स्टार्ट कर दीजिए। शनि आपका रोजगार हो गया तो आपको कैसे रोजगार करना, कैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उस कर्म को करना कैसे है, जहां पर जिस राशि में प्लेनेट बैठाएगा उसी से संबंधित आपको कर्म करना है, तो वो चीजें आपके अंदर ठीक होने लगेंगी अपने आप ही। ये उपाय हो गया इसका। ठीक है, अभी बता दिया मैंने मिथुन राशि के बारे में। इसमें क्या है, मिथुन राशि में क्या मतलब इसका सिंबल क्या होता है, एक स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है जिसमें स्त्री के हाथ में कोई एक वाद यंत्र है, यही देखा ना आपने। आप मिथुन राशि का देखिए क्या क्या दिखाती है मिथुन राशि, स्त्री पुरुष का जोड़ा है और जी, क्या जी। जिसमें स्त्री के हाथ में क्या है कोई एक वाद यंत्र होता है जो उसको बजाती है, और पुरुष के हाथ में क्या है स्त्री का कटी प्रदेश है, उसकी कमर में हाथ डाला हुआ है और दोनों लोग क्या कर रहे हैं गाना गा रहे हैं, दोनों लोग क्या कर रहे हैं गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आधार पे आप क्या कह सकते हैं, यही तो होता है ना मिथुन राशि का सिंबल, आप देखिए यही चीज दिखेगी। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का गुरु यहां पर बैठ जाए तो उस व्यक्ति को ये गुण उसके अंदर होंगे, और नहीं है अगर तो फिर वो बहुत डिस्टर्ब ही रहेगा। अब कोई व्यक्ति का गुण है और वो अगर जीवन में हंस बोल नहीं रहा है, एकदम सीरियस होके बैठा है,
तो फिर वो बहुत दिन तक उसको दिक्कत होने लगेगी, ठीक है ना। वो कोई टेंशन में है तो उसको बोलो हाँ सुनो, गा लो, गाना सुनाओ, तो उसके लिए बड़ा अच्छा अच्छा समय बीतेगा और उसको कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब इसके अकॉर्डिंग आप सोचिए कि जो है आर्थिक एवं सांस्कृतिक जागृति प्राप्त देशों का जो भी मतलब आर्थिक और या मतलब कि उनकी संस्कृति अगर अच्छी है तो वहां पर ऑटोमेटिक वहां पे मिथुन राशि प्रधान है। जिस भी चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश हो, जहाँ की मतलब कि एजुकेशन भी अच्छी हो और साथ में क्या है कि वहां का अपनी संस्कृति भी अच्छी हो, तो आप देखिए वो मिथुन राशि वो प्रधान होगी। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं है, इस प्रकार से वहां पर आप देख सकते हैं। अगर ऐसे ऐसा व्यक्ति है तो ग्लेशियर में घूमने जरूर जाए, जिसका बृहस्पति यहां पर बैठा है मिथुन राशि में, तो ग्लेशियर जरूर जाए घूमने, ग्लेशियर जरूर जाए। ग्लेशियर होता है ना बर्फ के, या समुद्र के किनारे भी जा सकता है, वो समुद्र के किनारे जा सकता है, सिनेमा थिएटर में भी जा सकता है, भले जब भी वो डिप्रेशन में जाए तो सिनेमा में देखा जाके उसके लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी जहां मनोरंजन होता है वहां पर उसको बड़ा अच्छा लगेगा। अब कोई बृहस्पति लेके बैठा और ये चीजें उसके अंदर नहीं है तो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये उपाय नहीं, वो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से चीजों को यहाँ पर देखा जाता है, इस प्रकार से चीजों को देखा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? अब आइए इसमें इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इसमें, जैसे खून की कमी, खून की कमी एनेमिक रहेगा, एनेमिया इसी के अंदर आता, अस्थमा की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम यानी फेफड़े में सूजन आएगी। ठीक है, कंजम्पशन जिसको क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा, कोई भी ब्लड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, उसको लगेगा कि ऑक्सीजन कम हो रही बार बार, सांस लेने में कठिनाई होगी, सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लीवर की कोई प्रॉब्लम हो सकती, लीवर डिसऑर्डर, मस्कुलर डिसऑर्डर होगा, उसकी मांसपेशियों में दर्द वर्द भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम की भी प्रॉब्लम हो सकती है, निमोनिया हो सकता है उसको, फेफड़े संबंधित रोग, हड्डी का टूटना, हड्डी बहुत कमजोर होती है तो जल्दी टूट भी सकती है, जो हार्ट के आसपास की जो क्या है जो ग्लैंड है ना उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब सारे रोग नहीं होंगे, कोई ना कोई एक रोग जरूर टच करेगा। अभी तो राशि को पढ़ा रहे, फिर प्लैनेट को देखेंगे, अब राशि और प्लैनेट को मिला के देखेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, टीवी की प्रॉब्लम इसी में होती है, ट्यूबरक्लोसिस, टीवी की प्रॉब्लम इसी में होती है। तो ये सारे रोग हमें कौन बताएगा? मिथुन राशि बताती है। और मिथुन राशि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो आपको समझ में आ गई कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, तो वहां पर जो भी आपके प्लेनेट बैठा है आप उस तरह से उसको मिलाते जाएंगे, अपने आप वो कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएगी।